Without education is a garden without flower. Without education is a man without direction. Without education is a temple without God. कटरा पूर्वी घाटमपुर में जन्मे मुख्तार अहमद कुरैशी के बच्चे बेटे मुशीर अहमद और डॉटर इरम नाज ने नीट 2022 की परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। मुशीर अहमद को ऑल इंडिया रैंक में बात किया जाए तो 7500 रैंक मिली है, वहीं नंबर की बात किया जाए तो 636 नंबर मिले हैं। इरम नाज ने पहले अटेम्प्ट में नीट को क्वालिफाई किया है। ऑल इंडिया रैंक 17200 है, 608 नंबर है, फतेहपुर मेडिकल कॉलेज मिला है। 3 वर्षों से ये परिवार कानपुर के छोटी ईदगाह मस्जिद के पास नई सड़क पे रह रहा है। ये जो पेरेंट्स हैं इनको भी गर्व हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है, सिर्फ इनको ही नहीं सोसाइटी और देश और प्रदेश और शहर को भी हो रहा है, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो आगे चल के प्रदेश का नाम रोशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम इरम नाज से बात करेंगे। इरम, आपने पहले अटेम्प्ट में नीट 2022 को क्वालिफाई किया है, डू यू फील प्राउड? तेज बोले आप। यस, प्राउड फील होता है आपको। तो क्या तैयारी थी, क्या बनना चाहते थे, क्या नीट के क्वालिफाई करके आप मेडिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते, तो ये इट वाज प्री प्लान इन योर माइंड या इट वाज गिवन बाय द पापा ओनली? ये तो मेरा ही एम था बेसिकली कि डॉक्टर बनना है। और पापा भी फिर सपोर्ट करते कि हाँ बेटा डॉक्टर ही बनेगी। तो शुरुआत से मेरा यही था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर के बच्चे और फिर आगे मुझे इंशाल्लाह सुपर स्पेशलिटी में जाना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। उसको तैयारी क्या 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 वो टिप्स हैं जो स्टार्टिंग में उसको अपनाना चाहिए? और बहुत से लोग हैं जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 अटेम्प्ट में भी नहीं निकाल पाते, और आपने पहले अटेम्प्ट में निकाला है इरम, तो आप क्या टिप्स देंगे तैयारी के लिए? 11th 12th में जैसे आप पढ़ाई करते हैं नॉर्मली, आप वही पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िए, और मतलब कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, और मतलब कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पैनिक मत करिए, वो समझ में आ ही जाएगा। और मतलब अपना एक टाइम टेबल सेट करिए कि कोई मतलब लिमिट नहीं है रोज का, बस ये है कि रोज फिक्स है कि रोज पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है, कि ये नहीं कि आज पढ़ा 2-3 दिन फिर छोड़ दिया, फिर अचानक से जोश आया फिर पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। रोज पढ़ना है, बराबर पढ़ना है, कि टारगेट बना के रोज पढ़ना है कि मुझे इतना पढ़ना है, काम हो गया अपना फिर जो कुछ एंजॉय करना है कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ना ही है। कार्डिक सर्जन। तो आप दोनों लोग दिलों का हाल चाल सही करने वाले हैं, दिल ठीक करने वाले हैं जी। कोचिंग भी फायदेमंद होती है? जी जरूर होती है, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है, वरना हमें नहीं पता होता हम कैसे पढ़े। उसी कोचिंग का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहता है जी, बिल्कुल होता है, वरना हमें कभी कभी ये होता है कि हम फिर कभी इधर चीज़ें उधर वो ये सब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता सिलेबस क्या होता है। ऐसा नहीं है, बहुत जरूरी है कोचिंग है, लेकिन एक डायरेक्शन मिल जाती है उससे। तो पेरेंट्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं पढ़ाई के दौरान? पेरेंट्स का काफ़ी मेजर रोल रहता है, जैसे कि पापा मम्मी काफ़ी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो मतलब कि पढ़ने में पढ़ाई के लिए काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो वो मतलब वो खुद ही चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, तो इस वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया जी। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा पूरी तरीके से 50-50 पापा का है, 50 मेरा है, क्योंकि उनका नहीं होता तो फिर कैसे काम मिलता होगा। जितना तैयारी में टाइम लग रहा है तुम लगाओ, बस पढ़ाई करो, और इससे मोटिवेशन ये मिलता है कि पापा कम से कम सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी कोई हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है। मुख्तार अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी बेटी ने पहले अटेम्प्ट में नीट निकाला है, बच्चे अभी कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, दोनों नीट क्लियर क्वालिफाई कर लिया है, एक को आगरा एसएन कॉलेज मिला है, एक फतेहपुर मेडिकल कॉलेज मिला है। तो यही कहना चाहूँगी कि सभी माँ बाप अपने बच्चों को सही गाइडेंस दें और उनका हौसला अफजाई करें, इंशाल्लाह ताला सभी के बच्चे नीट क्वालिफाई करेंगे और अपने शहर का और अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे और देश की सेवा करेंगे। कहीं थोड़ा सा कैमरा घुमाए, इन्होंने घर पे बास्केटबॉल भी लगा रखा है, जब कभी मौका मिले पढ़ाई के दौरान बोरिंग टाइम हो तो यहीं पे बास्केटबॉल खेल लेते हैं। आप क्रिकेट तो नहीं खेल पाएंगे, फुटबॉल तो नहीं खेल पाएंगे, बस बास्केटबॉल से काम लेना पड़ता है। बास्केटबॉल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, वो टाइम मिलता है तो कभी कभी ये भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि बस पढ़ना ही है, कुछ थोड़ा बहुत मूड फ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, गेम्स हो गए या मूवीज़ हो गए, वेब सीरीज या फिर कोई भी गेम खेल सकते हैं। माय हॉबीज वाज क्रिकेट, बस वाज, अब नहीं है कुछ भी, बस पढ़ता ही रहता था, फिर मोबाइल आ गया, उसके चक्कर में फिर यहाँ पे कुछ किया ही नहीं, मोबाइल चलाया और यहाँ पे गेम, कोई भी गेम खेल लिया, अब ऐसा कुछ है नहीं। इरम, व्हाट इज योर हॉबी? मैं तो म्यूजिक ही है। और एक बीच है मुशीर अहमद है हमारे साथ, इनके पापा मुख्तार अहमद है, इनकी डॉटर हमारे बीच इरम नाज है,
प्राउडली आई एम सेइंग कि नीट के बहुत से बच्चे जो है तैयारी करते हैं और बहुत से बच्चे कई बार अटेम्प्ट देते हैं लेकिन नहीं निकाल पाते हैं, उसके बाद वो डिप्रेस हो जाते हैं और वो जो सपना होता है वो छोड़ देते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्वालिफाई कर लेते हैं। ऐसी में हमारे बीच इरम नाज है जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में नीट को क्वालिफाई किया है। मुशीर अहमद हैं, इन्होंने भी नीट को क्वालिफाई कर लिया है। अपने अपने बेहतर कल की तैयारियां कर रहे हैं। आप भी देखते रहिए सीनियर विडो जर्नलिस्ट मोनू के साथ। मैं फैज रसूल, एंटी क्राइम टाइम्स, नई सड़क, कानपुर।